आजकल के अक्सर फेलियर लोग स्टार्ट कर बैठते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह ये है, जब कोई बच्चा टेंथ हो या ट्वेल्थ हो या किसी आईएएस या किसी केएएस एग्जाम में या किसी रिटन एग्जाम में फेल हो जाता है, फेल होने के बाद उसको पछतावा होता है, मैं फेल क्यों हो गया, उसको परेशानी होती है। परेशानी के बावजूद उसको घर वाले कहते हैं, अब बेटा तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई, अब तुम्हें वहाँ काम करना पड़ेगा, वहाँ काम करना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं, वो ताने दे रहे, हमने पहले ही कहा था आप नहीं कर पाओगे, आपकी बस की बात नहीं थी। तब वो बेचारा कुछ ना समझ पाता है और अपने आप को कोस लेता है और आखिर में वो सुसाइड कर लेता है। जब बच्चा फेल हो जाए तो उसको मोटिवेशन की जरूरत है। अरे बच्चा कोई बात नहीं, अगर आप इस साल फेल हो चुके हो तो दूसरे साल आप पास हो जाओगे, कोई बात नहीं। जब उसको मोटिवेशन की जरूरत थी तब वो दोबारा से एग्जाम देता और शायद वो पास हो जाता। लेकिन जब लोगों ने, घर वालों ने उसको परेशानी उठाई, उस बच्चे पर बहुत ही परेशानी उसके दिमाग में भर दी, वो बच्चा सुसाइड कर बैठा। मैं कहता हूँ लोगों से और उनके घर वालों से, फेल होने से कोई लूजर नहीं हो जाता, बन जाता, बल्कि लूजर वो आता है जो गेम ही छोड़ देता है। और फेल होने